और अंदर जाने के बाद अपने 30-40 गार्डों के साथ मिलकर साजिश के तहत मुझे जान से मारने की नीयत से वो लोग आए, हथियार से लैस होकर, लाठी डंडों से लैस होकर। लोहे के लाठ से हमला किया गया, किसी तरह से मेरी जान बची है, लड़ाई आर पार की है। मैं तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा जब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता है। चला गया, लाइव है, लाइव 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 है, लाइव मार, लाइव है, लाइव मारो मारो मारो, लाइव है, हाँ हाँ है, मारो। मेरा बैंक में यहाँ पर खाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में। कई बार बैंक से मुझे केवाईसी के लिए नोटिस भेजा गया था, मैं आज यहाँ पर अपने नोटिस के लिए आया था, लेकिन गार्ड ने यहाँ पर जिस तरीके से बदतमीजी की, जिस तरीके की गुंडागर्दी की, और आज देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो गार्ड है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो छात्र संघ भवन का आप जो गेट देख रहे हैं, ये छात्र संघ भवन का गेट, ये केवल गेट से केवल बैंक के कर्मी आते हैं और छात्र संघ के पुराने लोग आते हैं इस गेट से, और इस गेट पे तालाबंदी करके उसके बाद जब हमारे एक सीनियर आए तो उनके साथ गार्ड द्वारा बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, उसके बाद अंदर नहीं आने दे रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने प्रतिकार किया, उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे प्रेटोरियल बोर्ड आता है, सुरक्षा अधिकारी आते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत होती है पुलिस प्रशासन के सामने, उसके बाद ये लोग जाते हैं, उसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सह पे, प्रॉक्टर के सह पे और सुरक्षा अधिकारी के सह पे 50 से 60 गार्ड यहाँ पे आते हैं, जो राड लोहे की राड से लैस रहते हैं, लाठी डंडों से लैस रहते हैं, सरकारी बंदूकों द्वारा लगातार फायर करते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये लोहे के राड से लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार छात्रों के, कई छात्रों के सर फटे हैं यहाँ लोहे के राड से, हमारे पैर पे छर्रा लगे, कम से कम दर्जनों छात्र घायल है। ये केवल ये गार्डों की ये सह पे नहीं हुआ है, केवल प्रॉक्टोरियल बोर्ड और सुरक्षा अधिकारी जो है उसके सह पे ये कुल हमारी ये केवल ये मांगे कि प्रॉक्टर हर्ष कुमार और जो सुरक्षा अधिकारी है और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा।